अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना अपने YouTube वीडियो की अच्छे से SEO कैसे करनी है, जिससे आपकी वीडियो पर सर्च पर आएगी, YouTube सर्च में आएगी। तो आपको मैं जो तरीका मैं खुद अप्लाई करता हूँ वही आपको मैं बताऊँगा कैसे मेरी वीडियो सर्च पर ज़्यादातर व्यूज़ सर्च और सजेशन से आती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैंने अपलोड की है, उसको अभी टाइटल लगाना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह लगानी है। तो सर्च करते हैं इधर में, ये पहले नंबर पर ये मैं सर्च पहले किया हूँ, वालदैन की खिदमत, ये वीडियो का टाइटल होगा। तो ये सर्च किया है तो ये आ गई है वीडियो। इसको फिर इधर में करके थोड़ा सा स्पेस देना है। तो ये जितने नीचे में आए हैं ना, ये वालदैन की खिदमत इजी इन उर्दू, वालदैन की खिदमत का बयान, ये सब जितने हैं ना इन सब का स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट लेके आपको मैं बताता हूँ कैसे आपने इनको टाइटल में और टैग में और डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करना है। ये तो ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं वापस। इधर में एक एप्लीकेशन है, कॉपी टेक्स्ट नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर है, आप डाउनलोड कर लें। इसका ये है कि आप जो भी स्क्रीनशॉट लिए ना उस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। इधर में आगे इधर आने के बाद ये जो पहला टेक्स्ट है ना, ये स्क्रीनशॉट, इसको सारे को ऐसे करके आपने सारा इसको कवर कर लेना, ऐसे करके ये नीचे में टिक का निशान है इस पर क्लिक करना है तो ये हो जाएगा। जी तो ये हो गया है इधर में। इसको अब आपको मैं बताता हूँ कि थोड़ा स्पेस दे लेना है ताकि डिस्क्रिप्शन में आगे और कुछ भी नहीं लगाना, ना ये कोमा वगैरह नहीं लगाना, वैसे ही रहने देना। तो इसी को आपने उठा के उसमें भी टैग में भी लगा देना। ये मैं अभी जल्दी में कर रहा हूँ, आप आराम से अच्छे से वीडियो की SEO करो और वीडियो अपलोड करके उसके अच्छे से SEO करके फिर उसको पब्लिक करो। तो ये ऑप्शन है ऊपर में कॉपी का, इधर से कॉपी कर लिया। अब चलते हैं वाइट स्टूडियो में। तो ये आ गया हम लोग वाइट स्टूडियो, ये वाइट स्टूडियो ये नाम है, ये मेरे कज़न नहीं है। चलते हैं वाइट स्टूडियो। तो ये आ गया हम लोग वाइट स्टूडियो, ये वाइट स्टूडियो ये नाम है, ये मेरे कज़न नहीं है। तो इनका नाम है हाफिज़ एजाज, इनकी वीडियो है। तो मैं अपलोड करने लगा हूँ, की कर दिया हूँ इसको अभी पब्लिक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। इधर मैं थोड़ा सा ये लगा के ठहरो, ये पहले जो कॉपी किया है उसको डिस्क्रिप्शन में लगा पेस्ट कर लेना। फिर इधर से वालदैन की खिदमत, ये दूसरे नंबर वाला ना, इसको उठा के टाइटल में लगा देंगे। इधर आके इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट करके इसको सेव करना, ये सेव कर दिया। फिर इसको ओपन करके वो पेंसिल के निशान पर हाथ लगाना है। फिर जो ये जितने हैं ना इन सब का एक एक टैग इसको कॉपी करके टैग में जाके पेस्ट कर देना है। तो ये मेरा मोबाइल ज़रा स्लो है तो इसलिए, क्योंकि ये अब काफ़ी पुराना और बूढ़ा हो गया। इधर आके इसको ये एक टैग हो गया। एक बात याद रखना, टैग में भी डिस्क्रिप्शन में हैशटैग और टाइटल में भी अपने चैनल का नाम ज़रूर लिखना। तो इस चैनल का नाम है इन्फो एट समीर, ये मेरे चैनल का नाम है। ऐसे करके इसको टैग में भी लगा दी है और डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे और ऊपर टाइटल में भी लगा देंगे। हैशटैग इन्फो एट समीर ये, और ये दूसरे नंबर वाला, ऐसे एक एक करके ना आपने इन सब को जाके टैग में पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ कि टैग सारे मैं लगा दिया हूँ। ये देखें टाइटल में मैंने चैनल का नाम लिखा हुआ है और उधर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी हैशटैग लगाया हुआ है चैनल का
और टैग में भी चैनल का नाम, और बकाया जितने वो डिस्क्रिप्शन में टैग है ना वो सारे इधर में पेस्ट किए हों, क्योंकि टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन जब मैच करती है ना तो वीडियो जो है ना रैंक कर जाती है, वायरल हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो और इसी तरह अपनी वीडियो को, अपने वीडियो की SEO करो तो आपकी वीडियो इंशाल्लाह 100% वायरल होगी। तो वीडियो को एक और बात कि वीडियो को जब भी अपलोड करो ना अनलिस्टेड रखो, उसको पब्लिश ना करो। जब सब कुछ उसका मुकम्मल कर दो, थंबनेल वगैरह लगा दो, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दो, तो उसके बाद इसको पब्लिक कर दो। पब्लिक करोगे तो वो आपकी वीडियो जो है ना सब जिस जिसने आपका चैनल सब्सक्राइब किया वो उसके पास आपकी वीडियो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। तो इसको करते हैं सेव, तो ये होगी वीडियो पब्लिक। तो आपको मैं एनालिटिक्स दिखाता हूँ कि अपने चैनल के कैसे मेरी वीडियो पर सारे जितने व्यूज़ तो अभी कम ही आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आते हैं ना वो आते सर्च से हैं। ये देखें ये वीडियो की ट्रैफिक सोर्स टाइप यूट्यूब सर्च से 58% आते हैं, उसके बाद अदर यूट्यूब फीचर सजेशन वीडियो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होता है यू व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर वगैरह से, तो एक्सटर्नल में आ रही है सबसे पहले गूगल सर्च से, उसके बाद व्हाट्सएप से, उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो यानी कि YT स्टूडियो वगैरह से जो गूगल क्रोम पर होता है। ये नीचे कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट है इसका, इन दोनों का मुझे इनको खास पता। तो ये चीज़ें जो है ना इससे चौथे नंबर पर एक्सटर्नल जो है वो पहले नंबर पर गूगल सर्च से आती है मेरे वीडियो पर व्यूज़। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो, अपनी वीडियो के अच्छे से SEO करो तो आपकी वीडियो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वायरल होगी, रैंक होगी। तो आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो अपनी वीडियो को बेहतर रैंक करो, बेहतर उसकी SEO करो तो इंशाल्लाह वायरल होगी।